नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुशील वर्मा ऑल इन वन में। आज हम इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो मेन एग्जाम में लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अभी आईटीआई के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये आईटीआई के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो हम कुछ बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन डालते हैं आईटीआई लेवल और उससे ऊपर जो इंटरेस्ट एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर एक, यानी सीरीज नंबर 51 से स्टार्ट है। प्रश्न नंबर पहला यानी 51 नंबर, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कुलाम तथा 3×10⁻⁷ कुलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। तो बल पूछा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6×10⁻³ न्यूटन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, कुलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान खालिस्तान का पालन करते हैं, ए ओम का नियम, बी एम्पियर का नियम, सी व्यतिक्रम वर्ग का नियम, डी किरचॉफ का नियम। इसमें आ जाएगा सी व्यतिक्रम वर्ग का नियम। प्रश्न नंबर 53, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल ईएमएफ स्रोत से युक्त जाल कहलाता है, ए निष्क्रिय जाल, बी सक्रिय जाल, सी रेखीय जाल, डी अरेखीय जाल। तो इसमें आ जाएगा बी सक्रिय जाल। प्रश्न नंबर 14, दो प्रतिरोधों R1 तथा R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम तथा समांतर क्रम में संयोजन में कुल प्रतिरोध 1 ओम है, तो दोनों प्रतिरोध होंगे। प्रश्न नंबर दोबारा देखिए 54, दो प्रतिरोध R1 तथा R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम है तथा समांतर क्रम में संयोजन में कुल प्रतिरोध 1 ओम है, तो दोनों का प्रतिरोध ओम में होगा, यानी R1 व R2 4.5 है और इसका कितना है समांतर में 1 है, तो यानी इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 ओम व 4 ओम, 3 ओम व 9 ओम, 1.5 ओम व 3 ओम, 1.5 ओम व 0.5 ओम। तो इसमें आ जाएगा 1.5 ओम व 3.4 ओम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध पूछा, इसमें प्रतिरोध कितना होगा, 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम, 1600 ओम। तो इसमें हो जाएगा 400 ओम। इसमें सूत्र लग जाएगा, इसमें दिया क्या क्या है, 100 वाट पी दिया है और वी दिया है, ज्ञात करना है आर, तो पी बराबर वी स्क्वायर, आर वाला सूत्र लगेगा इसके अंदर। इसमें पी ऑलरेडी दिया है, वी की स्क्वायर हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा और उसका लास्ट में आंसर आ जाएगा 400 ओम। क्वेश्चन नंबर 56, आर बराबर रो एल बटा ए इस समीकरण में रो प्रदर्शित करता है, ए चालकता, बी गतिशील, सी प्रतिरोधकता, डी वेग। इसमें आ जाएगा सी प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर 57, किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। तो इसमें आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 58, 3 ओम मान के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हैं, त्रिभुज में किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य क्या प्रतिरोध होगा, 3/4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4/3 ओम। तो इसमें आ जाएगा 2 ओम, पहले सीरीज होगा फिर ये समांतर हो जाएगा, जैसे ये त्रिभुज है।
ये प्रतिरोध जुड़े हैं ऐसे, इस प्रकार से बोल रहा है ये। तो यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे पहले, इसके बाद ये समांतर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसके बाद दोनों एक एक ओम के होंगे तो 2 ओम हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा लैंप कमरे का ताप क्रम पर निम्न प्रतिरोध होगा? निम्न में से कौन सा लैंप का कमरे का ताप क्रम निम्नतम प्रतिरोध होगा? ए 200 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, सी 60 वाट 220 वोल्ट और 25 वाट 220 वोल्ट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित है, यानी समांतर क्रम में संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का सूत्र है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, टू बी कंटिन्यू, यानी ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो इसमें क्या दिया है, 2 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/5 ये दिए। अब इसका लघुत्तम निकाल लो, 20 आ जाएगा, का लघुत्तम 20, 10 × 20, 5 × 20, 4 × 5 = 20, सॉरी ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब इनका टोटल उठ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 हो गया, 10 × 20, 15 × 4 = 19, 19/20 इसमें ऑप्शन आ जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो, 19/20 आया है, अब ये क्या होगा, पलटी मारेगा, यानी कितना है, 1/RT लिखा हुआ है, अब इसको हम RT में परिवर्तित करते हैं तो ये चेंज होता रहता है, 20/19 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 20/19। किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए ओम, बी महो, सी ओम सेमी, डी ओम सेमी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम सेमी। क्वेश्चन नंबर 62, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। द्रव्यमान, बी लंबाई, सी चौड़ाई, डी ऊंचाई। तो इसमें आ जाएगा लंबाई, बी ऑप्शन। 63 नंबर में, 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो इसका कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? जो साधारण सी बात है, इसमें 1 ओम आ जाएगा। इसके बाद यह है किरचॉफ का संधि नियम बराबर संरक्षण के नियम के नियम पर आधारित है। ए वोल्टता, बी विद्युत, सी आवेश, डी प्रतिरोध। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवेश। इसके बाद है निम्न में से परिपथ में R के मान की गणना करनी है, इसके मान की गणना करनी है। तो इसमें आ जाएगा 17.5, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब ये 66 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टता का बीजगणितीय योग खालिस्तान के बराबर होता है, तो इसका मान होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। 67, दिए चित्र में किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार धाराओं के संबंध है। ए आई बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4 I5, ये नहीं होगा, ये भी I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I1 प्लस I5। 3 है I1 माइनस I5 बराबर I2 माइनस I3 माइनस I4, ऑप्शन नंबर डी, I1 प्लस I5 I1 प्लस I
फाइव बराबर आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणित के योग शून्य होते हैं। तो ये दोनों बाहर आ रही है और बाकी की तीनों अंदर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 68। एक चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर तरफ विद्यमान होता है, लोहे के, तांबर के, एल्यूमिनियम के, चलायमान आवेश के। तो ये हो जाएगा चलायमान आवेश के। चुंबक संबंधी गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाले कुछ चुंबकीय फ्लक्स हमेशा खाली स्थान होते हैं, एक, दो, तीन या जीरो। तो इसमें आ जाएगा जीरो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।